मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम ग्रामर में टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे ना, तो आज पास्ट टेंस में एक जो दूसरा भाग है कंटिन्यूअस का, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, चलते हैं। आपको बता चुके हैं कंटिन्यूअस, सिंपल, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, आज कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस past continuous tense में it's also referred to as the past progressive tense। continuous को बोलते हैं, progressive भी बोलते हैं। इस tense के वाक्यों की पहचान है कि क्रिया के साथ रहा था, रही थी और रहेगी। past क्योंकि क्या कहलाता है, जो पिछला बीत गया, तो बीत गया के लिए क्या उपयोग शब्द करते हैं, था। तो रहे थे, रहा था, ये सारे लक्षण। जैसे मैं जा रहा था, वो आ रहा था, आप सो रहे थे, आदि आदि। ठीक, अब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो सिंगुलर यानी एक वचन के साथ बॉस लेना है। एक वचन मतलब सिर्फ ओनली ही, शी। ठीक, वन के लिए आई, इस प्रकार के शब्दों के साथ बॉस आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के यानी बहुत सारे, जैसे दे, दे। हाँ, इसके लिए रूल्स है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बॉस या वेयर आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट बॉस वेयर और इसमें नॉट और एडजेक्टिव, हाँ, बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में व्हाट, बॉस या वेयर, सब्जेक्ट बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट। पहले शुरू करते हैं कि अफर्मेटिव में कौन से होंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक। इसमें आएंगे आपके, वह एक आर्टिकल लिख रहा था, है ना, तो था का प्रयोग हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, वह, वह माने सब्जेक्ट आएगा ही, बॉस। आपको अभी बताया ना, सब्जेक्ट में एक वचन में क्या आएगा, बॉस आएगा। हाँ, ही वॉज राइटिंग। अब इसमें वर्ब जो है वर्ब आया राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, ना, राइट। राइट में क्या लगाया अपन ने, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, आई एन जी फॉर्म एंड आर्टिकल। ठीक, फर्स्ट और सेकंड, वे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वे मतलब होता है दे यानी बहुत सारे, तो बहुत सारे के लिए क्या बताया आपको, वेयर, है ना, तो दे वेयर वर्किंग। अब इसमें वर्ब फिर से आया है, वर्ब आया है डब्ल्यू ओ आर टी, वर्ब में आपने क्या किया, आई एन जी इंक्लूड किया ऑन द प्रोजेक्ट। थर्ड, वह अपना मैथमेटिक्स का होमवर्क पूरा कर रही थी। She was completing her mathematics homework. Four, वह अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह मतलब he is a boy के लिए, तो he was preparing for his upcoming examination, है आने वाले एग्जाम की तैयारी। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव, वे बाहर, देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, कि अफर्मेटिव में बाहर जा रहे थे और नेगेटिव में क्या है, वे बाहर नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो दे वेयर नॉट, ठीक, वर्ब इज ए बुक, गो, वर्ब क्या है, गो, गो में क्या किया, आई एन जी लगा, तो दे वेयर नॉट गोइंग आउट। ठीक, आप लोग ये चीज को जरूर लर्न करना कि ही और शी के लिए क्या लगाते हैं इसमें, वॉज, ठीक है, और दे के लिए
लगाएंगे यू आर। तो दे वी आर नॉट गोइंग आउट। नेक्स्ट, वह पिकनिक के लिए तैयार हो रही थी, वह पिकनिक के लिए तैयार नहीं हो रही थी है? तो आइदर शी वॉज गेटिंग नॉट रेडी, नहीं हो रही थी तैयार, मैंने नेगेटिव का लिया है तो नेगेटिव आया। तो थर्ड, वे शिक्षक दिवस के लिए कक्षा को नहीं सजा रहे थे, दे वेयर नॉट डेकोरेटिंग द क्लासरूम फॉर टीचर्स टू, वो बच्चे गार्डन में इधर उधर नहीं भाग रहे थे, द चिल्ड्रन वेयर नॉट रनिंग अराउंड द गार्डन। ये नेगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण हैं। अब है नया जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक के लिए क्या आपको एक किताब पसंद आई, क्वेश्चन हो रहा है, तो डिड यू लाइक द बुक क्वेश्चन मार्क। सेकंड, क्या उसने आखिरी पेज तक किताब पढ़ी, डिड ही रीड द बुक टिल द लास्ट पेज। थर्ड, क्या उसने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी, डिड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशंस। फोर्थ, वे अपने घर से क्यों शिफ्ट हो, Why did they shift from their home? Five, क्या वे assignment देना भूल गए? Did they forget to submit their assignments? Student, आज आपने जो अध्ययन किया है वो है past continuous का, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से prepare करें परीक्षा के तैयारी के लिए grammar को, और नोटबुक में लिखे, सही स्पेलिंग लिखे, प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।